कीमती नहीं है। जिस तरह से जामिया के वकार को बदनाम किया गया है, यहाँ के लड़के हिंसक होते हैं, उसके खिलाफ ये सत्याग्रह उसके खिलाफ कर रहा है। जामिया के क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, उनका लगातार कहना है हमारी हमारी माँ ने कल कॉल करा कि बेटा तुम जल्दी आ जाओ, बेटा बस जल्दी आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ। आपकी माँ देख रही होंगे इस वक्त आपको। सजाद क्या चाहते हैं आप, अपने आप को इस तरह से क्यों तकलीफ दे रहे हैं? देखिए इनका इनका यही डिमांड है कि दिल्ली पुलिस से कार्रवाई हो, ताकि देश की किसी यूनिवर्सिटी में छात्र की आवाज किस तरह कुचला ना जाए बर्बरता से। हम छात्र देश का भविष्य है, हम छात्र देश का भविष्य, आप हमें ही बर्बाद करने में लग गए हैं। हमारे खिलाफ इतना बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के टाइम में जब पुलिस इंटर करने की कोशिश की तो वहां के वीसी ने रोक दिया था। हम अपनी वीसी से पूछते हैं आप इतनी कमजोर कैसे हो गई कि आपने आपके रहते हुए इंटर कर गया। आपको सपोर्ट भी तो मिल रहा है ना, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र आप लोगों के समर्थन में उतर आए, उन्हीं छात्रों के लिए। मैडम किसी के जान चले जाने के बाद अगर सपोर्ट मिलता है तो क्या वो जाने वापिस हो सकती है? क्या वो दहशत लोगों के अंदर से आप निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हैं तो बता दीजिए, मैं उठ जाऊंगा यहाँ। जी जी शहजाद आपके, लेकिन माँ भी तो देख रही होंगी आपको इस हालत में, क्या सोच रही? माँ बहुत मजबूत है, थोड़ा सा लो शहजाद, तुम्हें कथा में मोहब्बत अगर कर रहे हो तो ये लो, तुम्हें कथा में लो। नहीं मैं भूख हड़ताल पर नहीं हूँ ना, तो ये लो, तो थोड़ा सा लो, लो लो जल्दी से देख लो, देखो लो जल्दी। फारूक भाई कल गार्ड को मार पड़ा, एक गार्ड सर फटा हुआ, हां वो सब देख रहे हैं, हम साथ है तुम्हारे, हम साथ है बड़े भाई। अगर कोई मारता है तो हमारा दिल दुखता है, हमारा भी बहुत दिल दुखता है। कल पता है कल एक फौजी को क्या बोल के मारा गया है? सामान हूं मैं तेरे कितनी। फारूक भाई पता है कल एक फौजी को क्या बोलकर मारा गया है? कि तू फौजी है, इधर बाहर निकल, तुझे बताता हूँ। वो सबने देखा है, वो सबने देखा है, सबने देख लिया वो चीज।